It is my pleasure to address this body, and it was a further pleasure that I thought this is only going to be about business and IT, and I was pleasantly surprised that there has been a very good focus on women and women entrepreneurship. And I'll talk about that because that's one of the most my one of my most favorite topics. Um, uh, you you have showcased local startups. You intend to showcase local startups. मैं uh, ट्रांसलेशन की कैफियत मौजूद है मगर कभी कभी मेरी तकरीरें लोगों तक जाती हैं तो कम से कम उर्दू ज़बान लोग ज़्यादा समझ सकेंगे तो मैं उर्दू में विद 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 पॉलोजी टू आर इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पीपल आई वुड लाइक टू गो एंड टॉक अबाउट थिंग्स इन उर्दू मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं और आपने फोकस एक ऐसी तरफ़ किया जिसके मतलब पाकिस्तान की तारीख में सबसे कायद सबसे पहले क़ायद अजम ने फोकस किया और इंसस्ट किया अपनी तकरीरों के अंदर बार बार कि अगर ख़वात हमारे काम के अंदर और मुल्क की मुल्क को बनाने के अंदर हिस्सा नहीं लेंगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा और ये बड़ा साफ स्टेटमेंट था बड़ा अहम स्टेटमेंट था और उनकी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने अपनी बीवी को जिनको मरियम नाम रखा गया था उनको भी हर जगह शामिल किया यहाँ तक कि एक पब्लिक जलसे में लखनऊ के अंदर वो जब गए बात करने के लिए तो वो गाड़ी में बैठकर कुछ अपना काम कर रहे थे तो वो उतर कर चली गई और उनको लोगों ने आने नहीं दिया कि यहाँ पर औरतों का इंतज़ाम नहीं है तो वापस आई और वो कायद अजम को जिना के हवाले से सिर्फ़ अल्फाबेट से कहती थी जे आर नॉट अलग मी टू गेट गो इन तो जिना साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना कार्ड उसको दिया उनको दिया और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा तो मैं आपको उस ज़माने की मिसाल दे रहा हूँ जिस ज़माने में औरतें बहुत कम आगे निकलती थी आ, फिर वो फातमा जिना साहिबा के साथ उन्होंने बड़ा काम किया पाकिस्तान की तारीख में जो प्राइम मिनिस्टर पहले प्राइम मिनिस्टर थे अली खान उनकी बेगम ने बेगम राना अली ख़ान जिनका मैंने भी खुशकस्मत हूँ कि मैंने उनका इलाज भी किया उनसे मेरी गुफग भी रहती थी उन्होंने अफवाह ऑल पाकिस्तान वूमेंस एसोसिएशन सेटअप किया जिसके अंदर औरतों की हुनर हुनर उनको सिखाना बताना और आपको याद होगा वो भी ज़माना कि सिर्फ सिलाई कढ़ाई एक ऐसी कैफियत थी तो स्किल के अतबार से औरतों को दे दी जाती थी कि इससे तुम रोज़ी कमा सकती हो मगर कोई अजीब सी कैफियत हुई कि आ, कल्चरल एतबार से या ट्रेडिशन के अतबार से हमने औरतों को आगे आने नहीं दिया लिहाजा नतीजा ये है कि जो आ, जेंडर पैरिटी के इशारे हैं फिगर्स हैं उनके अंदर ये पता चलता है कि पाकिस्तान बहुत ही कमज़ोर है जेंडर पैरिटी में अच्छा इसका मजहब से भी कोई ताल्लुक़ नहीं इस्लाम वो मज़हब है जिसके अंदर दो चीज़ें मैं आपको पॉइंट करता हूँ बड़े फ़खर से पॉइंट करता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहलिया थी मोमिनीन बीबी खतीजा वो बिजनेस वूमन थी तो इस वजह से कोई इस्लाम के हवाले से कोई रुकावट इसमें नहीं है उसके बाद भी आपसे जिक्र करता हूँ कि दूसरी अहम चीज़ जब दुनिया के अंदर औरत को एक फाइनेंशियल एंटिटी के अतबार से कोई उसका माशरे के अंदर हक भी नहीं था और उसको मिलता भी नहीं था तो क़ुरान ने भी इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि उसका वरासत में हक है और बड़ा अहम लैंडमार्क है ये दुनिया में उस वक्त कहीं नहीं होता था तो चौदह पंद्रह सौ साल पहले आपकी वरासत और मुझे फिर ताजुब होता है कि माशरा उस वरासत को ओन ना करे आपकी वरासत की खूबी ये कि चौदह पंद्रह सौ साल पहले औरत की वरासत और उसका हक इन प्रोपोर्शन उसको मिला और क़ुरान के अंदर दिया गया फिर आप देखते हैं कि सारे आ, रेनेसांस के ज़माने में भी यूरोप में यानी डेवलपमेंट दुनिया भर के अंदर होता रहा रेनेसांस और यूरोप के अंदर भी मगर औरत का आ, आ, मिल्कियत का हक़ मैं बीसवीं सदी के शुरू में 1902-3 की मिसाल आपको देता हूँ कि यूरोप के अंदर और ख़ास तौर पर ब्रिटेन का मुझे हवाला याद है कि मैं इंग्लिश में बताऊँगा इसको द वमेन वर सपोज़ टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बेंड और हर फादर एंड ऑल हर अर्निंग्स वर सपोज़ टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर और द हजब शी हैड नो नो वेल्थ ऑफ हर हर ओन एंड इन ट्रांसफर ऑफ वेल्थ अपॉन हर डेथ ऑल वेल्थ एनी वे वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द हजब इवन ड्यूरिंग हर लाइफ तो फिर मुझे ताजुब होता है कि पाकिस्तान जिसकी जिसकी अपनी तारीख़ के अंदर या इथहास के अंदर या मजहब के अंदर जब ये चीज़ मौजूद थी तो कहाँ गड़बड़ हुई जब मैं गौर से देखता हूँ तो दो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं एक कल्चर कल्चर ने रुकावट पैदा की और दूसरे लोगों ने हरासमेंट को बहाना बनाया और बहाना नहीं हकीकत में भी हरासमेंट होता था जिसका यहाँ पर जिक्र हुआ और हरासमेंट की वजह से लोग अपने ख़वा को अपने घर के लोगों को ख़वान को माशरे के अंदर कारोबार करने में रुकावट पैदा करते थे ये अच्छी बात है कि मैं अपने नोट्स टेलीफोन पर नहीं थे तो मैं खुद लेकर आया हूँ विदोपॉलोजिस्ट जेंटलमैन सिटिंग नेक्स्ट मी के ही वॉज़ नॉट एबल टू स्पीक मगर ये कि औरत के आ, औरत के हवाले से हमें काम बहुत करना है मगर मैं आपको कुछ चीज़ें उस हवाले से उसकी वजाहत भी करता जाऊँ तो मेरा ख़्याल ये है कि कल्चर के अंदर और हरासमेंट के अंदर रुकावट हुई और माशरा यानी इसकी आप ये कैफियत देख ली कि पाकिस्तान के कानून के अंदर वरासत मौजूद थी मगर कानून को मज़ीद मॉडिफ़ाई कर करके इंसिस्ट किया जा रहा है कि माशरे के अंदर वरासत दी जाए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैंने एक रैंडम सर्वे किया उन एम एन एज़ का जो असम्बली में ख़वान है उसमें से पचास फ़ीसद ने शायद मेरा अंदाज़ा है एन एक बात कर रहा हूँ पचास फ़ीसद ने यह कहा कि उनको वरासत नहीं मिली अब ये आपका उन एलीट का हाल है जिन्होंने ये कहा और अगर मैं यहाँ पर भी सर्वे करूँगा तो कुछ ख़वात मुझे बताएंगी कि उनको विरासत नहीं मिली एक अजीब सी कैफियत है माशरे ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि बहन जो है जब इंतकाल हो जाए बाप का तो माशरे ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि बहन जो है वो गिफ्ट दे देगी भाइयों को मगर ऐसे भाई मुझे बहुत कम मिले जो बाप के इंतकाल पर बहनों को गिफ्ट कर दें यकीन कहीं एनामली है तो लिहाजा एक कल्चरल है जिसको हमें मुकाबला करना है और एक हरासमेंट का इशू है और इसमें एक मस्बत एक्शन लेना पड़ेगा मस्बत पॉजिटिव यानी आगे बढ़कर उसके अंदर मैं बैंक्स को करता हूं, का शुक्रिया अदा करता हूँ मल्टी नेशनल्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बाकायदा हर साल के एतबार से अब ये सोच पैदा कर ली है उन्होंने कि हर साल के एतबार से वो जेंडर एक्विटी कि मैं तरक्की करेंगे बड़ी अच्छी बात है अच्छा मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ बात एलिट तक रहे हर लेवल पर मेरी ख्वाहिश यह है कि जेंडर पैरिटी हो अच्छा जी मैं करता क्या हूँ मैं आपको बड़ी मज़े की मिसाल देता हूँ कि जब मैं इस मुकाम पर आप लोगों ने मुझे मंतख कर, कर भेजा तो मैं जब चैम्बर्स की और सब की मैं यहाँ मीटिंगस होती है इसी तरह से तो मुझे औरतें बहुत कम नज़र आती हैं और लोग जो कारोबार करते हैं वो बड़ी खुशी से इस बात का कर तारुफ करते हैं कि ये मेरा बेटा है अब कारोबार ये संभालेगा अच्छा ये मैं देखता रहा और मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि भाई ये क्या कैफियत है तो मैंने उनको चैलेंज करना शुरू किया कि देखो अगर हरासमेंट एक इशू है तो तुम्हारा कारोबार सबसे बेहतरीन जगह है कि जहाँ तुम्हारी बहू बेटी प्रोटेक्टेड रहे हरासमेंट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस और फिर वहाँ भी तुम ना करो तो तुमने कोई दुश्मनी पाल ली है औरत के साथ कि अपने कारोबार में भी रिकगनाइज़ नहीं करते हो इस बात को तो पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सी कैफियत है यानी यह गरीब मुल्क आज मेरे पास एक लड़की आई जिसने मुझे कोई तोहफ़ा दिया उसके अपने आर्ट का और उसको मैंने पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो अब वो डॉक्टर भी थी तो उसने कहा कि जी मैं बाहर जाना चाहती हूँ तो उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे मुल्क की तकालीफ में से एक तकलीफ ये भी है हमने ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता तालीम देना और बड़ी मुश्किल से तालीम देता है औरतों को भी मेडिकल कॉलेज़ के अंदर और उसमें एट्रीशन बेनता है यानी एट्रीशन मुल्क के अंदर भी बेनता है यानी वो अगर इस वक्त जो जनरल नंबर्स हैं वो 80 फ़ीसद मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखले जो हैं वो औरतों के हैं अच्छा ग्रेजुएट भी कर जाती हैं और उस डिग्री को माशरा सिर्फ़ एक अच्छी शादी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट समझता है और उसमें से 50 फ़ीसद तस्वुर करें यार इस गरीब मुल्क के 50 फ़ीसद डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अगर ख़वात हैं तो वह शादी अच्छी शादी करके वो पेशे से हट जाती हैं तो बड़ा नुकसान है तो मैंने इसको बड़ा गौर से देखा मैंने शहीद फ़ार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लाहाबाद को टास्क दिया कि तुम ये पता करो ये तैयार तराश करो कि इसको हल कैसे करें क्योंकि ये बीस पच्चीस साल से मैं सुन रहा हूँ और ये रोना पाकिस्तान की एक टिपिकल कैफियत कभी कभी ये हो जाती है कि हम रोना रोते रहते हैं और हल की तरफ नहीं जाते हैं हर एक को और बीस साल से ये पच्चीस साल से मैं सुन रहा हूँ क्योंकि एडमिशन्स को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जेंडर पैरिटी जेंडर इक्वालिटी होगी इसमें जेंडर बायस नहीं होगा जब मैंने कॉलेज में दाखला लिया था तो तीन चौथाई सीटें फिक्स थी मर्दों के लिए और एक चौथाई औरतों के लिए थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मस्बत एक्शन लिया उन्नीस सौ की दहाई में उन्होंने तो कहा जी एडमिशन सिर्फ मेरिट पर होंगे अच्छा और अब मैं ये देखता हूँ कि औरतें अपना प्रोफेशन छोड़ देती हैं तो आ, फिर फिलहाल फ़िलहाल मैं इस नतीजे पर आता हूँ कोई कॉम्प्रिहेंसिव इस पर काम नहीं हुआ मगर मैं इस नतीजे पर पहुँचाऊँ कि दो तीन एक तो काउंसलिंग करें उनके पेरेंट्स की भाई इस पेशें पेशे में लाई हो लाए हो तुम लोग तो इसका अहतमाम करना है कि इस पेशे में चले दूसरे होने वाले शौहरों की काउंसलिंग करें उन बच्चों की भी काउंसलिंग करें कि तुम इसमें कॉन्फिडेंस के साथ रहो और उनके माँ बाप को मुसलसल दिखाते रह, रहें कि ये अस्पताल या जो भी इदारा है जो ट्रेन कर रहा है ये अस्पताल जो है ये हरासमेंट फ्री है यहाँ परेशान नहीं हो नहीं हो आपको मालूम है कि बच्चियाँ लड़कियाँ तालीम के स्टेजेस जैसे बढ़ते जाते हैं तो प्राइमरी में शायद काफ़ी करीब है प्रोपोर्शन पर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो लड़कियां जो हैं वो हट जाती हैं उससे मुमकिन है स्कूलों के अंदर उनको एहसास हो कि हरासमेंट का इम्कान है तो हमें एक काम तो कौम के एतबार से वो करना है जो आपने अभी आपने ये पढ़ बताया कि जी आप मल्टी नेशनल्स के अतबार से या अपने इदारों के अंदर वो आप तालीम प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि हरासमेंट और औरत के मुक़ाम के अतबार से अंडरस्टैंडिंग हो बहुत ज़रूरी है मगर आ, पाकिस्तान को आ, जब औरतें मेन स्ट्रीम में नहीं हैं तो पाकिस्तान के जीडीपी को बड़ा नुकसान है और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है कि औरतों का ना होना तो लिहाजा मज़हब रुकावट नहीं है कल्चर कल्चर की ट्रेडिशन रुकावट हैं और उसका हमको और आपको मुकाबला करना पड़ेगा इसलिए आसानी भी पैदा हो गई है आप वाकिफ हैं कि औरत अब घर बैठे बैठे, बैठे बैंक अकाउंट खोल सकती है थैंक्स टू द बैंकर्स एंड थैंक्स टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर हैविंग डन दैट अच्छा ये बेानतहा ज़रूरी है कि वो अकाउंट होल्डर बने आपको ये भी बताता चलूँ ये मैं ब्रॉडर परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ और आप लोग जो आई के अंदर ये बात कर रहे हैं तो उसका एक और एडवांटेज है जो मैं ज़िक्र करूँगा तो आ, बी आई एस पी या एहसास के जब फंड्स औरतों को दिए जाते हैं वो औरत औरत स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन पावर्टी एलिवेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है दुनिया का बहुत माना हुआ और अच्छा अब जब औरत को बारह हज़ार रुपये दिए जाते थे तीन महीने की किस्त इकट्ठा तो वो बेचारी टैक्सी कर कर पाँच सौ रुपये की टैक्सी कर कर आती थी बैंक अकाउंट तो था नहीं टैक्सी कर कर आती थी पाँच सौ रुपये लेती थी और पाँच सौ वो बारह हज़ार रुपये लेती थी पाँच सौ रुपये टैक्सी में खर्च होते थे और फिर वहाँ पर लाइन लगनी होती थी तो कोई ना कोई स्कैमर वहाँ पर मौजूद होता था वो कहता था मैं तुम्हें पाँच सौ दो मैं तुम्हें अभी पैसे दिलवाता हूँ ग्यारह हज़ार रुपये अगर उसको मिले तो वापसी में कुछ खर्च हुआ और जब घर पहुंची तो उसके मर्द ने शौहर ने बेटे ने कहा कि मुझे पैसे दो कैश जब हाथ में हो तो इंकारी नहीं हो सकती तो उसने उनको भी पैसे दिए तो लिहाजा उसके पास कैश ही कम रहा तो एक बड़ा अच्छा मगर स्लो काम हुआ यानी ये तेज़ होना चाहिए था ये स्लो काम हुआ कि नहीं अब उनके साथ उनके बैंक अकाउंट्स हैं जिसके अंदर पैसा जमा हो सकता है तो ये आसानियाँ फाइनेंशियल साइट पर बे बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इस वक्त आईटी के ज़रिए जिसका आप प्रचार कर रहे हैं आईटी के ज़रिए इस बात का इम्कान है जैसे ख़ातून जिनको आपने रेकग्नाइज़ किया कि वो घर बैठे बैठे औरतें जो हैं वो आ, एजुकेशन में दुनिया भर के अंदर बच्चों की मदद कर सकें तो बहुत सारे काम हैं जो घर बैठे बैठे हो सकते हैं आईटी ने वो रास्ता खोल दिया कि घर के बाहर नहीं जाओ अगर परेशान अगर बच्चे हैं घर में तो घर के बाहर नहीं जाओ तो उसके अंदर भी पर्सन टू पर्सन पेमेंट ये बहुत ज़रूरी है ये अभी तक इस तरह से क्रिस्टलाइज नहीं हुआ यानी मैं जानता हूँ फिनटेक के अतबार से कि गवर्नमेंट टू बिजनस बिजनसेज टू गवर्नमेंट ये पेमेंट सिस्टम शुरू हो गया बिजनेसिस टू बिजनसेज भी हो गया बट पर्सन टू पर्सन जरा सा स्लो है और बेनतहा दिस इज़ अ गोल्ड माइन फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स Uh, मैंने मेरे पास एक साहब आए थे अभी बाहर से उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान के जो भी हालात हों मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि इतना पोटेंशल है कि बाईस करोड़ लोगों के अंदर टू मिलियन के अंदर अट्ठारह करोड़ के पास तकरीबन सेल फोन्स हैं और ये अनटैप्ड गोल्डन मार्केट है कि मैं पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स को स्टेट बैंक ने किया भी है पिछले दिनों बैंकर्स की मीटिंग थी तो बड़ी वो अपनी तारीफ कर रहे थे तो मैंने उनको एक और बात बताई देखो सोचो प्रोग्रेस इस तरह से नहीं होती कि दुनिया तेज़ी से जा रही है और आप इस बात पे खुश हों कि दुनिया यहाँ से यहाँ गई और आप यहाँ से यहाँ पहुँचें अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो कैचअप तरक्की करनी है ये नहीं कि वो इतनी तेज़ी से उनके एक्सेलेशन और हमारी एक्सेलेशन के अंदर फ़र्क हो तो तेज़ी से तरक्की करनी है तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने यहाँ आने से पहले एक किताब पढ़ी थी किताबों का शौक़ रहता है मुझे टेलीविज़न का कम होता जा रहा है किताबों का शौक़ रहता है टेलीविज़न में मिस इतना होता है पता नहीं क्या तो किताबों का शौक़ रहता है तो मैंने एक किताब पढ़ी थी कॉफूली की है सुपर पावर्स ऑफ ए, ए आई चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स उसके अंदर यह था कि जो आर्म्स जब पैसे मांगता है गरीब आदमी सड़क पर खड़ा होकर तो उसने अपना क्यू आर कोड रखा हुआ है कि पेमेंट करो ये चार साल पहले की मैंने किताब पढ़ी अच्छा जी अभी रीसेंट इकोनमिक्स के अंदर अगर आपने पढ़ा हो कि हमारे पड़ोसी मु, आ, मुल्क के अंदर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पेमेंट्स हो रहा है उसमें ट्रिमेंड चेंजेस है उसमें एक तस्वीर है कि औरत सब्ज़ी बेच रही है और उसने अपने ठेले पर क्यू कोड रखा हुआ है कि पेमेंट इससे करो तो अगर पाकिस्तान आहिस्ता चलेगा तो नतीजा ये होगा कि दु, 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 देखो वैक्यूम नहीं रहता यानी जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो दुनिया में बिकती हैं और अगर आप उस सिस्टम को उस लॉजिस्टिक्स को ठीक नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ें इस अंदाज से बिकेंगी नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये हर जगह पर हमें ये बात करनी चाहिए कि औरतों की एम्पावरमेंट के हवाले से जो आज की महफिल और मुझे बड़ी ख़ुशी है कि आपने इसके ऊपर फोकस किया क्योंकि ये मेरा और मेरी बीवी का भी पेट टॉपिक है और मैं पिछले दिनों मेटा ने फेसबुक ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसके अंदर उन्हें पाँच हज़ार को ट्रेन किया था मगर मुझसे अगले साल के लिए वादा किया था क्योंकि मैं समझता हूँ कि आई बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्वान्टम एतबार मल्टीप्लाई हो सकते हैं यानी जब मैं यूनिवर्सिटीज़ को कहता हूँ कि अपने प्रोग्राम बनाओ बढ़ाओ तो वो कहते हैं जी अगर हमारे 600 एडमिशन हम लेते हैं 600 और लेंगे तो हमें एक अरब रुपया और चाहिए मगर आईटी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ऑनलाइन बेस्ड हों वो इतने ज़रूरी हैं कि आ, आ, मैंने आ, आज मैं आपके पास आने से पहले आ, हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज के हवाले से मीटिंग कर रहे थे जिसमें बड़ी प्रोग्रेस हुई है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट एडी टेकिंगडस इंटरेस्ट उसमें हमें बड़ी प्रोग्रेस हुई और मैं आप लोगों के इदारों से ये कह रहा हूँ कि जहाँ आप एक डिप्राइव सेक्टर की बात करते हैं तो पर्सन विध डिसबलिटीज़ के हवाले से भी फोकस करें पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि दो से पाँच परसेंट नहीं नंबर एक औरतों की बात की एम्प्लॉयमेंट को मैं ये रख कहूँ आपसे कि जब वो चैम्बर्स वाले लोग आते थे तो मैंने उनसे जब ये कहना शुरू किया तो फिर वो जब से मुझसे अवार्ड्स दिलवाते थे तो उसमें भी कोई औरत नहीं होती थी तो मैंने अब ये कंपलशन शुरू किया इस साल मैंने कहा दस फ़ीसद अगर अवार्ड्स औरतों को नहीं मिलेंगे तो मैं वो फंक्शन ही नहीं करूँगा अच्छा मगर दस फ़ीसद का मतलब ये नहीं कि दस फीसद पर रुक जाए दसवीं इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया दिस इज एन दिस इज़ बींग इम्प्लीमेंटेड हियर कि हम नहीं उसको रिकगनाइज ही नहीं करेंगे वो फंक्शन ही हम नहीं करेंगे तो कभी कभी यू फोर्स चेंजिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स तो मैं uh, आपसे uh, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुकूमत ने आप लोग तो हर साल इस चेंज को इम्प्लीमेंट करें अपने इदारों के अंदर कि अगर आज बारह परसेंट थी खवीन तो अगले साल पंद्रह हो वॉट एवर इज़ नॉट वॉट एवर इज़ नॉट प्रैक्टिकल वो आप करें क्योंकि जब ये स्टेप आप उठाते हैं ना तो कभी कभी आप कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है तो मेरी आपसे गुजारिश है जब मुल्क पीछे रह गया इसमें तो इम प्रैक्टिकल काम करने पड़ेंगे आपको अपने पास से पैसा ज़्यादा डालना पड़ेगा अपने पास से कोई सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी मगर इसको इंश्योर करें ने एक दूसरा ये पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि दो से पाँच परसेंट डिपेंडिंग ऑन वे यू आर कि पर्सन विद डिसबिलिटीज़ को आप जॉब्स देंगे तीसरे ये कि उसमें भी अभी एक कसर है कि हम ये समझते हैं कि जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो पी को हम दे देंगे ऐसा नहीं होता पी के लिए कभी कभी आपको जॉब्स टेलर करने पड़ेंगे और आज हमने जो मीटिंग की थी उसमें टेफ्टा और नेफ्टेक और नेशनल रूल सपोर्ट प्रोग्राम उन सब को इकट्ठा कर कर क्योंकि मुझे खुद एहसास हुआ आप सब वाकिफ़ हैं आप सब की नज़र में आपके ख़ानदान में या करीब में कोई डिसेबल्ड बच्चा या बड़ा होगा अच्छा और जब है तो मुझे अपने ख़ानदान में दो आ, मैं काम कर रहा हूँ पर्सन विद डिसबलिटीज़ पर मैं और मेरी बीवी तो पिछले दिनों शादी की किसी तकरीब के अंदर वो बच्चा ज़्यादा नज़र आया तो मुझे ख्याल हुआ इसको पूछूँ तो सही कि कर क्या रहे हो तुम तो वो व्हील चेयर पर था उसने कहा कि जी मैं ये कर रहा हूँ मैं ये कर लूँगा मुझे मुझे लगा ये कि वो फ़िक्स नहीं हो पा रहा था कि क्या करेगा पढ़ा लिखा पढ़ रहा था उसने कहा जी मैं आईटी में ये प्रोग्राम कर लूँगा और वो प्रोग्राम कर लूँगा बट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परेशान था कि इसको कहाँ भेजे कैरियर काउंसिलिंग कौन करेगा कौन उंगली पकड़कर उसको आगे ले जाएगा तो टुडे एंड इन द लास्ट टू वीक्स वी बीन डेलिब्रेटिंग ऑन दैट कि कैरियर काउंसलिंग देखिए कैरियर काउंसलिंग आम सोसाइटी में भी सही नहीं हो रही और मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में जो सीटें हैं मेडिकल कॉलेज़ की वो काफ़ी हैं जितना हमें ज़रूरत है मगर पच्चीस बच्चे बाहर गए हुए हैं पाकिस्तान के वो कमर्शियल मेडिकल एजुकेशन इन नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ किर्गिस्तान और काजकस्तान वहाँ में अच्छा उनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं हुई मगर एक ट्रेडिशनल कैफियत है कि डॉक्टर इंजीनियर बनने से जनाब नौकरी अच्छी मिल जाएगी लिहाजा फिर वो आकर कहेंगे कि जी हमें रिकगनाइज़ करो हमें इम्तहान पास करवाओ हमें नौकरी दिलवाओ तो कैरियर काउंसिलिंग उस लेवल पर भी कसर है मगर पी डब्ल्यू डीज़ के हवाले सेियर काउंसलिंग औरतों के लिए कैरियस काउंसलिंग औरतों की स्किल डेवलपमेंट अच्छा और आपको ये भी बता दूं आपको ताजुब होगा जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें और फिर थ्योरी थ्योरी की बात करें आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले दो साल से मैं ये बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर से सुन रहा हूँ या तीन साल से कि गवर्नमेंट ने जो लोन्स मुख्त किए औरतों के लिए उसमें पाँच फीसद औरतें भी नहीं आई अब कैन यू इमेजिन आपको पता था अगर नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था मतलब एवरी नॉलेज हैज़ टू बी फेड बहुत सारी औरतों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं साल में वो वुमेंस डे होता है तो आई एम इम्रेस बाय द फैट के द टर्न आउट इज गुड मगर ऑर्गेनाइजेशंस अगर इसको गाइड नहीं करें एक्चुअली दिस इज ट्रू नॉट इवन फाइव परसेंट यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम द बैंक्स नॉट इवन फाइव परसेंट अच्छा कुछ बैंक्स ने तो ये कहा कि भाई आए तो अप्लाई तो करें हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स को हायर किया हुआ है कि फीजबिलिटी वो बना देंगे इवन देन मैंने एम एन एज और एम पी एस खवतन को कहा जितनी खातन यहाँ बैठी हैं आप एलिट हैं आपका फ़र्ज बनता है कि बजाय इसके कि डिमांड मोर यू मस्ट डिमांड मोर बट जो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर फैसिलिटेट कौन करेगा फिर तो लिहाजा दैट वॉज अ वैक्यूम कि यू शुड अंडरस्टैंड कि दैट मीन्स कम्युनिकेशन पुअर डिस्पाइट द फैक्ट कि ये प्रेसिडेंट पचास तकरीरें तो की होंगी उसने यही फिगर्स देकर कि पा, पाँच परसेंट भी औरतें नहीं आई मगर इतनी चेंज नहीं हुई तो देरफॉर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे फेसबुक का मैंने आपसे जिक्र किया कि उनसे ये तय हुआ था कि अगले साल वो बढ़ाएंगे ताकि अपॉर्चुनिटीज़ दें औरतों को कि काम करें ये जो औरत घर पर बैठ कम कर कर काम कर कर बेच सकती है दिस इज़ वैल्यू एडिशन दिस इज़ नॉट रन ऑफ द मिल मेकिंग ऑफ क्लॉथ और समथिंग वो कपड़े को एनहांस करेगी आईटी स्किल्स को एनहांस करेगी टीचिंग करेगी बहुत सारी स्किल्स हैं जो एनहांस्ड हैं द वैल्यू एडिशन के साथ वो उसकी कम्युनिकेशन तो देर इज़ जो खातून जिनको अभी हमने दिया रिकॉग्नीशन uh, किया तो आप सब के लिए ये जो आईटी है आईटी टी इज इज वो रोड है जिसके अंदर सेलर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट और अ रियल प्रोडक्ट को बायर के साथ लिंक करने के लिए इससे बेहतर चीज दुनिया में न कभी इजाज़ हुई और इससे ये मामला बढ़ता रहेगा अच्छा एक दूसरी बात का आपसे जिक्र करूँ आपने इंक्यूबेशन सेंटर्स की भी बात की और माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एस ये जो जोन बनाने की कैफियत है ये अमेरिका से शुरू हुई उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के जोन बनाए चाइना ने इसको और प्रॉस्पेरिटी दी के जोन बनाकर यानी मुल्क के अंदर जो भी कवानीन हो जोन्स को एक इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से बना दिया जाता है स्पेशल इकनॉमिक जोन या टेक्नोलॉजी जोन कि तुम आओ तुम्हें टैक्स बेनिफिट मिलेगा तुम्हें यह आसानियाँ मिलेंगी काश के सारा मुल्क वैसा हो जाए मगर ये कि जो मुल्क अपने सारे आवाम के लिए नहीं कर पाते तो कम से कम कुछ आइसोलेटेड एरियाज़ में ये फैसिलिटी देते हैं फॉर बेटर बिजनेस प्रैक्टिसज एंड गेटिंग इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री तो लिहाजा वो जोन्स के एतबार से सब स्पेशल टेक्नोलॉजी ज़ोन्स पाकिस्तान के अंदर इसको प्रोमोट कर रहे हैं मगर एक और चीज़ आपसे ज़िक्र करूँ कि आज ही आई एड्रेस्ट अ कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर साइबर टेक्नोलॉजी और साइबर एफिशंसीज और डिफेंसिस और उसके कुछ फिगर्स मैं आपसे ज़िक्र करूँ कि दो हज़ार तीस तक दो हज़ार अरब टू हंड्रेड बिलियन डिवाइस होंगे जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ लिंक्ड हैं अच्छा तो इसके ऊपर साइबर में दो चीज़ें हुई एक तो डिवाइसेस की सिक्योरिटी हुई क्योंकि ये आ, आपके पावर सेंटर्स आपके बैंक्स और आपके यूटिलिटी और सा, बहुत सारी चीज़ें आपके सेंट्रीफ्यूज ईरान के अंदर वो गड़बड़ भी हुआ था ईरान के अंदर वो अटैक भी हुआ था जिसके अंदर एक जनरल को भी मारा गया तो वो हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने वाला भी डिफेंस होनी चाहिए टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन अं साइबर ऑफ साइबर सिक्योरिटी दूसरे इन्फॉर्मेशन के अतबार से तो इस वक्त दुनिया में तीन चौंतीस लाख 3.4 मिलियन जॉब्स हैं जो फुलफ़िल नहीं है 3.4 मिलियन जॉब्स कौन भरेगा इसको वो ऐसा मुल्क जिसके अंदर यूथ बल जो वो भर सकता है ऐसा मुल्क जिसके अंदर औरतें घर पर हैं बहुत एडवाइस कर सकती हैं वो भर सकती हैं मगर हमारा जो एक प्रोसेस है एजुकेशन का वो ऑनलाइन कम है और फिज़िकल ब्रिक एंड मोटर ज़्यादा है तो हमारा साइबर वो अपना यूथ बल्ज ज़रूर है और औरतों का बल्ज भी मौजूद है जो अनरेकनाइज है ये सब औरतें अगर हमने काम पर लगा दिया इनको ऑलरेडी तालीम याफ्ता औरतें काम में नहीं हैं और अगर काम पर हमने लगा दिया तो पाकिस्तान का जो सबसे तेज़ रूट है टू डेवलपमेंट वो औरत के थ्रू होगा और सबसे ज़्यादा तेज़ रूट ऑफ़ डेवलपमेंट वो यूथ के साथ होगा कि हम उसको तालीम प्रोवाइड करें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान को परेशान कर रही हैं उसका फाइनेंशियल सेक्टर उसको परेशान कर रहा है हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ हमें खुद परेशान कर रही हैं कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और मुल्क में हो क्या रहा है ये अलग एक परेशानी है जिसका यहाँ जिक्र यूं बेकार है कि दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल फोरम बट कीप इन माइंड यू आर ऑल पोलिटिशियस बिकॉज पॉलिटिक्स यू है ना सो देर फॉर हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन अ न्यूट्रल पॉलिटिकल ओपिनियन इन दिस टाइम एट दिस टाइम ऑफ योर कंट्रीज डेस्टनी इज बैड ये बिल्कुल ऐसे ही है कि घर किश्ती में पानी भर रहा और आप कहें मैंने तो टिकट फलानी जगह के लिए लिया हुआ था मैं तो वही काम करूंगा किश्ती साली डूब जाए सॉरी ना, है ना किश्ति से उछाए आप ये कहें कि नहीं जना मैंने तो यही काम करना है दो दैट एटीट्यूड नाव इन पर जैसे यहाँ खुदा ना खासा ऐसी जगह पर आग लग जाए और कुछ लोग सिर्फ ये कहें कि जी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है हम तो यहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे हमारे टेलीफोन भी रख लिए गए हैं तो हमें टेलीफोन वापस करो हम जाएँ यहाँ से <laughs> <laughs> तो लिहाजा मैं उस उस तरफ सियासी तरफ नहीं जाना चाहता हूं मैं सियासत से इधर ही रहूं तो अच्छा है क्योंकि आप लोग तो टेक्नोलॉजी के साथ हैं तो मैं मेरा बड़ा बड़ी उम्मीदें हैं इन दोनों सेक्टर्स का मैंने आपसे ज़िक्र किया इन दोनों सेक्टर्स के अलावा मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की यूथ को एजुकेशन प्रमोट करना और ये सारे काम करने के लिए आप जैसे इलीट पर हमारा भरोसा है देखिए आप नहीं करेंगे ज़िम्मेदारी नहीं उठाएंगे अपने से ज़्यादा मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे अपने से ज़्यादा क्योंकि अल्लाह ने आपका आपकी इनकम्स में उन गरीबों का भी हिस्सा डाल दिया है जिनको कुछ नहीं मिल रहा तो लिहाजा आपकी जिम्मेदारी मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि खैरात करें मैं आपसे कह रहा हूँ इल्म की खैरात करें इन्वॉल्व पीपल कंट्री विच कैन लिफ्ट इट्स ओन पीपल द पुअर द डिप्राइव जो पर्सन विद डिसबलिटीज हैं जो मुल्क ये उठा लेगा इस वक्त दुनिया के अंदर तरक्की दिमाग से होगी नेचुरल रिसोर्स से नहीं होगी और दिमाग की तरक्की का बेहतरीन फोरम आज आपने ऑर्गेनाइज किया है तो विश यू गुड लक मगर बड़ा काम की जरूरत है बड़ी तकालीफ है हमको मगर उन तकालीफ के लिए वी डोंट नीड एन आइंस्टाइन टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स वी डोंट नीड फॉरेन एड टू हैव एन इंटेलेक्चुअल चेंज अमंग आर सेल्व्स दीज आर कॉमन सेंस थिंकिंग्स जो पाकिस्तान जहाँ से था कॉमन सेंस थिंकिंग्स छोड़कर जेब के ऊपर करप्शन करके नॉन मेरिट को प्रमोट कर कर स्लो डिसीजन मेकिंग कर कर हम यहाँ तक पहुँचे तो आप अगर किसी गरीब आदमी से भी पूछ लें सड़क पर अनपढ़ से पूछेंगे वो आपको बता देगा कि इस मुल्क की खामियाँ क्या हैं यहाँ पर सोच के एतबार से वी कैन हैव ट्रमेंडस नंबर ऑफ थिंक टाइग्स कंट्रीब्यूटिंग कि भाई ये करना है ये करना है करने वाले लोग कम हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ इस तकरीर को अख्तिताम पर आपके साथ उम्मीद है मेरा फोकस टोटली ये नहीं था कि मैं आपको फिगर्स दूँ और ये करूँ और वो करूँ मेरी उम्मीद ही आप लोगों से है जिनको अल्लाह ताला ने ज़्यादा अमानतें दी हैं सो थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन गुड लक टू यू